I'm sorry, Ashok. It's okay. It's okay, I understand. देखो सिमी, तुम एक समझदार लड़की हो, कमजोर नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन इस तरह रोने धोने से, हार मानने से क्या होगा? दुनिया में हर कोई अकेला होता है। तुम्हें अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना होगा सिमी। नाउ लुक हियर, अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जिंदगी में कभी निराश नहीं होगी, कभी अपने आप को बेसहारा नहीं समझोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दैट्स बेटर। आओ चलो। अशोक, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बेवजह तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में घसीट दिया। तुम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करोगी तो कम कैसे होंगी? हाँ, आई थिंक यू आर राइट। थैंक यू अशोक, तुम नहीं जानते तुम्हारे ये सब कहने से मेरा कितना दिल हल्का हो गया। टैक्सी। गुड, अब आइंदा से कोई प्रॉब्लम हो तो बिना झिझक मुझसे पूछ लेना, ठीक है? लोग कहते हैं कि मैं अच्छा डॉक्टर हूं। आओ। बाय बाय। चलिए भाई साहब। जेनी, 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 जेनी। अंजलि की याद आ रही है। मैं क्यों याद करूं उसे? ये साड़ी तुमने उसकी शादी के लिए खरीदी थी ना? हाँ, उसी के लिए खरीदी थी। तो उसे उसकी साड़ी दे आओ। मैं क्यों देने जाऊं? उसे चाहिए होगी तो खुद मंगवा लेगी। तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहोगी माँ? उसे इस तरह याद करके मैं क्यों याद करने लगी उसे? ये तो बस इतने दिनों से अंदर पड़ी थी ना साड़ी, तो बस धूप दिखाने के लिए निकाली थी। माँ, इस झूठ से जब तुम अपने आप को नहीं बहला पा रही हो तो क्यों बोल रही हो? अंजलि प्रेग्नेंट है, अकेली है, ऐसी हालत में उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। माँ, तुम भी तो उसके भाई हो, तुम क्यों नहीं मिल के आते उसे? मैं आज ही उससे मिलकर आ रहा हूँ। माँ, कैसी है वो? खुश है, लेकिन उसकी हर खुशी तुम्हारी नाराजगी की वजह से अधूरी है। अंजलि ने मान मर्यादा का विरोध किया है। शकुंतला के बहकावे में आकर उसने धर्म और सम्मान की सारी परंपराएं तोड़ डाली और एक ऐसे परिवार के लड़के के साथ शादी कर ली जो हमें जलील समझता है। तो क्या तुम अंजलि से कभी नहीं मिलोगी? मां, अंजलि मेरे पास वापस लौटा है और रजत के पिता अपनी बदसलूकी की माफी मांग ले और अंजलि को उसी तरह से विदा करके ले जाए जैसे कि एक इज्जतदार घराने की लड़की को ले जाया जाता है। उसके बाद मैं अंजलि को जरूर माफ कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मुझे मिस्टर सोलंकी से मिलना है। सॉरी सर, बट मिस्टर सोलंकी अब यहाँ काम नहीं करते हैं। देखो लिली, ये आज ही कुरियर थ्रू भेज दीजिए। ओके सर। सर, ये है मिस्टर अजय वर्मा, आप मिस्टर दफ्तरी से मिल सकते हैं। हेलो सर। यस सर, मेरा मिस्टर सोलंकी के साथ। देखिए मिस्टर वर्मा,
मिस्टर सोलंकी इज फायर्ड, हमने उसे कंपनी से निकाल दिया। लेकिन सर उन्होंने अपने एल्बम में मेरा डेब्यू सिलेक्ट कर लिया सर। क्या होगा, मिस्टर सोलंकी की सिलेक्ट की हुई हर चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया। बच्चा मेरा कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, फिर आप मिस्टर सोलंकी से ही मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सर आप सर मेरा टेप तो सुन लीजिए। देखिए मिस्टर वर्मा, नई प्रपोजल के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी। बा मुलाहिजा होशियार हमारी अनारकली के रोहित, गुदगुदी हो रही है। वाह वाह वाह, दिल गदगद हो गया। अनारकली, आप आज दोपहर को घर से कहीं बाहर गई थी क्या? इस सलीम शहजादे ने फोन किया था। मैं अंजलि के घर गई थी। अंजलि के घर, वो भी हमारी इजाजत के बगैर? ना अनारकली ना, हमें आपकी ये हरकत बिल्कुल पसंद ना है। रोहित, तुम्हारे बात करने का स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए जो तुमको हो पसंद वही पूछ लेते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप अंजलि के घर अचानक क्यों गई थी? अंजलि इस घर की छोटी बहू है और प्रेगनेंसी में उसे किसी बड़े की सहारे की जरूरत है। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं उसकी माँ समान हूँ। इस घर के सब लोग अपना कर्तव्य भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। ओह आई सी, हमारी छोटी सी अनारकली को माँ बनने का शौक हुआ है, तो ऐसे कहिए ना, बंदा हाजिर है। रोहित प्लीज, डोंट बी सो क्रूड। इसमें क्रूड की क्या बात, मैं आपका हस्बैंड हूँ। आप हमारे बच्चे की माँ नहीं बनेंगी तो किसके बच्चे की माँ बनेगी, उस डॉक्टर के? रोहित बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम्हारा पति हूँ मैं, क्यों शादी की तुमने मुझसे? अरे मेरे गले का छछूंदर बन गई हो तुम, ना तुम्हें उगल सकता हूं ना तुम्हें निगल सकता हूं। Damn it! तुम नहीं समझोगे रोहित, ये तुम्हारी और मेरी बात है, इसमें अशोक तो दूर दूर तक कहीं नहीं। हेलो अंकल। अरे अशोक तुम क्या हाल है भाई? अच्छा, बिल्कुल सही टाइम पर आया हो तुम। ये लो गरम गरम फर्स्ट क्लास चिकन सिर्फ तुम्हारे लिए, आ बैठो ना। नहीं अंकल, मैं डिनर कर चुका हूँ। अरे भाई साहब क्या फर्क पड़ता तुमको, खा लो हमारे साथ थोड़ा सा, तुम तो नौजवान हो, सब हजम हो जाएगा, बैठो ना। अच्छा ये बताओ, क्लिनिक ठीक ठाक चल रहा तुम्हारा? जी ठीक ही चल रहा है। अरे बाबा जनी आएगी बस, कपड़े चेंज कर रही है। अच्छा ये बताओ शारदा जी कैसी हैं? अच्छी हैं। उन्होंने अंजलि की शादी को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, यानी कि has she given her blessings or not? She will someday. आप तो जानते ही हो कितनी कंजर्वेटिव हैं, समाज के दायरे से बाहर निकलना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मैं शारदा जी की सोच की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डर भी लगता है। डर किस बात का अशोक? डर इस बात का कि शायद शारदा जी जेनी को अपनी बहू बनाने से इनकार करते हैं, इसलिए कि जेनी तुम्हारे धर्म की नहीं है। आपको शारदा आंटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अशोक का मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। What is that supposed to mean? तुम ऐसा क्यों कह रही हो जेनी? तुम दोनों के बीच कोई टेंशन तो नहीं है ना? पापा टेंशन तो अपनों से होती है, गैरों से क्या? वैसे भी मेरा डर सही निकला। जेनी तुम गलत समझ रही हो। पापा मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। जेनी ने ऐसा क्यों कहा? अशोक अशोक जेनी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत चाहती है। तुमने अगर उसका दिल दुखाया ना तो तुम खुद दुखी हो जाओगे। मैं जानता हूं अंकल, मैं भी उसे बहुत चाहता हूं और उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, बिलीव मी।
अशोक क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं कुछ नहीं, यूं ही। तुमने खाना भी नहीं खाया? बिल्कुल भूख नहीं थी माँ, पर तुम अब तक क्यों जाग रही? पता नहीं अचानक ऐसा क्यों लगा कि जैसे आज अजय का फोन आएगा, बस इसी उम्मीद में जाग रही हूँ। अजय से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दो माँ, उसका कोई भरोसा नहीं। नहीं बेटा, अजय पहले जैसा नहीं रहा। जब से उसे म्यूजिक में सफलता मिली है ना, तब से वो बदल गया है। मुझे नहीं लगता माँ कि उसकी म्यूजिक एल्बम वाली बात में कोई भी सच्चाई। उसने अपने बैंगलोर वाले वो मार्केटिंग जॉब के बारे में भी इसी कन्विक्शन से बोला था ना, और वो बात भी झूठ थी। लेकिन इस बार मेरा मन कह रहा है कि अजय झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया माँ? अंजलि की शादी की खबर सुनने के बाद भी वो अंजलि से मिलने क्यों नहीं गया माँ? चल मेरे भाई, बड़े आते म्यूजिक डायरेक्टर बनने, सब खाली है इस खाली बोतल की तरह, एक गरीब की झोपड़ी की तरह, एक मुफलिस की कब्र की तरह। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बनेगा म्यूजिक डायरेक्टर। माया माया, तो बस मैं हूं और ये मेरा नंगा बदन। माया 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 माया, अरे क्या हुआ अजय? अच्छा होश में आओ, जाए होश में आओ। श्रद्धा और सब्र का साथ छोड़ोगे तो अपने सपने कैसे पूरे करोगे? ए यू शट अप, शट योर ब्लडी माउथ। तुम लोग ठग हो, ठग, लोगों को झूठे सपने बेचने वाले ठग हो तुम लोग। तुम लोगों की फीलिंग झूठी है, तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम्हारे गीत झूठे हैं, फ्रॉड हो तुम लोग, यू आर ब्लडी फ्रॉड्स। अजय होश में आओ जी, तुम इतने कमजोर क्यों हो? एक नाकामी ने तुम्हें तोड़ दिया, एक दिखा दी असलियत। जा रहा हूं क्लब अपने नंगे बदन की नुमाइश करने, जब लोग मेरे पास पैसा फेंकेंगे ना तो वही पैसा पटा लूंगा मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तुम क्यों परेशान हो रही हो माया? जब लोग मेरे पर पैसे फेंकेंगे ना तो उसमें तुम लोग का भी कमीशन होगा, समझी? बदतमीज, आखिर आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूं कि तुम अजय का नाम म्यूजिक कंपनी में रिकमेंड करो। तुम तो इस इंडस्ट्री की जानी पहचानी पर्सनैलिटी हो, अगर तुमने उसका नाम रिकमेंड कर दिया तो शायद उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो। माया मेरा कोई दोस्त नहीं, स्पेशली अजय की फैमिली में। तुम शायद नहीं जानती, उस फैमिली के लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। लोगों के जज्बात से खेलना तो कोई उनसे सीखे। दोस्तों की फ्रेंडशिप को एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग। भला उन्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ने लगी? गुड लॉर्ड, जेनी तुम इतनी बिटर क्यों हो? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई थिंक एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्ट्स। कहते हैं जिंदगी में जब सब तुम्हें धुतकारते हैं, जो तुम्हारी मदद करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होता है। पर उस परिवार के लोग जो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उसका क्या? अजय तुम्हारा दोस्त है, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। Why don't you understand, Maya? I am a human being. मेरे भी कुछ emotions और feelings हो सकते हैं ना? क्या तुम्हारे इन emotions में अजय कहीं शामिल नहीं होता? Stop it, Maya. Just stop it.
बार बार उस फैमिली के लोगों के बारे में बात करके मुझे टॉर्चर मत करो। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है और आज शूटिंग पर आई हूँ। देखो अगर तुम यहां से नहीं जाना चाहती तो मैं चली जाती हूँ। हेलो सिमी, कैसी हो? अशोक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अच्छी हूँ, कहो कैसे फोन किया? सिमी, मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है अशोक? लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कहो ना, मैं सुन रही हूँ। सिमी, तुम उस दिन अंजलि के घर आई थी ना, तुम्हें याद है? घर के बाहर हम वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ अशोक। तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे जिंदगी का सामना करने का एक नया हौसला दिया था। तुम जानते हो अशोक, तुमसे बात करने के बाद मुझ में एक नई हिम्मत सी आ गई है। सिमी, मैंने वही किया जो कोई भी दोस्त करता। लेकिन लेकिन क्या? जेनी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था सिमी, और वो कुछ गलत समझ बैठी है। ओ, वो मुझसे नाराज है सिमी, और मैं उसकी नाराजगी से बहुत परेशान हूँ। I'm very sorry to hear that, अशोक. क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तुम उसे सच बता सकती हो। क्यों, क्या तुमने उसे सच नहीं बताया? उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, और वो उस वक्त इतनी इमोशनल है कि शायद मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। अशोक, अगर तुम चाहते हो तो मैं जेनी से बात कर सकती हूँ। मैं यही चाहता हूँ सिमी। प्यार में छोटी बड़ी गलतफहमियां होती रहती हैं अशोक। अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में बहुत पजेसिव हो जाते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो अशोक, तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल जाएगा। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर। मेरी नजरों के सामने मेरी बीवी से इश्क लड़ाएगा तू? तू तो गया डॉक्टर, सुना तूने? रोहित, हेलो रोहित, मेरी बात सुन। हेलो हेलो, तू तो गया।